हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। साइबर सुरक्षा पर स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान। एडेड स्कूलों में पीईटी के सामान्यीकृत अंक के आधार पर होगा चयन। आज से खुलेंगे प्रसिद्ध स्कूल। माध्यमिक विद्यालयों में समय की बंदिश भी समाप्त। शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को क्रमिक अनशन जारी। बुनियादी शिक्षा की हालत पिछड़े ब्लॉकों में सुधरेगी। बर्फीली हवाओं से पारा 5 डिग्री गिरा। आज से भीषण सर्दी के आसार। प्रदेश में मंगलवार को किया जाएगा साप्ताहिक अवकाश। इस मांग के साथ उर्मा बोर्ड ने सीएम को लिखी चिट्ठी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स में नेहब यूट्यूब चैनल पर। प्रदेश के सभी स्कूलों में साइबर सुरक्षा विषय पर प्रतियोगिताएँ होंगी। इसके तहत जनवरी से नवम्बर तक स्टे सेफ ऑनलाइन विषय पर आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक अंजना गोयल ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि G20 में स्टे सेफ ऑनलाइन शीर्षक से साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत में भुगतान व इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग पर जागरूकता फैलाना है। अभियान के तहत क्विज, ड्राइंग, स्लोगन लेखन व वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय से इन प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रश्न बैंक प्राप्त किया जा सकता है, ताकि प्रतियोगिताओं के विषय तय किए जा सके। जनवरी से मार्च तक क्विज प्रतियोगिता, अप्रैल मई में स्लोगन प्रतियोगिता करवाई जानी है। लखनऊ सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चल रही लिपिक भर्ती में साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंक नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इससे पहले नवंबर 2021 में जारी भर्ती प्रक्रिया के निर्देशों में सिर्फ पीईटी के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टैंकर परीक्षा में अभ्यर्थियों को बुलाने को कहा गया था। विभिन्न जिलों से अंक गणना पर सवाल उठने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नए निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राय मांगी थी। वहाँ से बताया गया है कि पीईटी 2021 की लिखित परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। इस परीक्षा के सामान्यीकृत अंक के आधार पर चयन संबंधी आगे की कार्रवाई की जाए। अब ऐसे होगा चयन। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एडेड विद्यालयों के लिपिक भर्ती में पीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन का अधिकार दिया गया है। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब नए निर्देशों के तहत पीईटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंक के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बता दें, पीईटी में अभ्यर्थियों को वास्तविक सामान्यीकृत और परसेंटाइल अंक दिए जाते रहे हैं। लखनऊ प्रदेश में शीतकालीन अवकाश के कारण 1 जनवरी से बंद चल रहे बेसिक शिक्षा परिषद के 8वीं तक के स्कूल सोमवार से फिर खुलेंगे। मौसम को लेकर स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी का आदेश लागू होगा। माध्यमिक स्कूलों में भी सर्दी को देखते हुए समय में किया गया बदलाव खत्म होगा। जारी समय सारणी के अनुसार प्रसिद्धि प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। माध्यमिक विद्यालय पूर्व निर्धारित समय सुबह 8:50 से दोपहर 2:50 के बीच चलेंगे। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अनशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर रविवार को 12वें दिन जारी रहा। छात्रों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री नंदगोपाल नंदी आदि को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में बुनियादी शिक्षा की हालत सुधरेगी। सीएम फेलोशिप योजना के तहत चयनित 120 युवाओं ने काम शुरू कर दिया है। अब विभाग युवा प्रोफेशनों के लिए हर महीने के मूल्यांकन के मानक तय करेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ये युवा ब्लॉक डेवलपमेंट योजना को लागू करने में अधिकारियों का सहयोग करेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते दिल्ली NCR में फिर शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। NCR के ज़्यादातर हिस्सों में रविवार को सुबह ठिठुराने वाली रही। न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री गिरावट के साथ 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिला, लेकिन दिन निकलने के साथ ही कोहरा साफ हो गया और 8 बजे के बाद धूप निकल आई। हालांकि उत्तरी पश्चिमी बर्फीली हवाओं के चलते गलन बनी रही और दिन के समय में भी लोगों को ठंड का अनुभव हुआ। उत्तरी राज्य ठिठुरे पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। फरीदकोट में तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में अधिकांश जगहों पर रात का तापमान 0 से नीचे रहा। उधर राजस्थान में भी शीतलहर का दौर लौट आया है। पारा गिरने का अनुमान। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन दिल्ली NCR के ज़्यादातर हिस्सों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में भी कमी का अनुमान जताया गया है। इस दौरान बर्फीली हवा चलने का अनुमान है। धूप ने दी राहत। 3 दिन कड़ाके की सर्दी के आसार। पहाड़ों की तरफ से आ रही उत्तरी पश्चिमी बर्फीली हवाओं को रोकने के लिए पश्चिम विक्षोभ तैयार हो रहा है। फिलहाल
3 दिन तो कड़ाके की सर्दी वाले रहेंगे, लेकिन इसके बाद राहत मिलेगी। इससे पहले रविवार को दिन भर धूप रही, लेकिन तापमान नहीं बढ़ा। शनिवार रात चली सर्द हवाओं से दिन का तापमान ज़्यादा गिरने की संभावना थी, लेकिन 1 डिग्री गिरकर ठहर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन सर्दी और बढ़ सकती है, उसके बाद धीरे धीरे राहत मिलती जाएगी। शनिवार रात 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। उम्मीद थी कि रविवार को खासी ठिठुरन रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रात का पारा सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने न्यूनतम पारा 9.9 डिग्री दर्ज किया। दिन का 21 डिग्री रहा। दिन में हवा की रफ्तार भी कम रही। शनिवार अधिकतम पारा 22 और न्यूनतम 9.6 डिग्री रहा। प्रदेश में मंगलवार को किया जाएगा साप्ताहिक अवकाश, इस मांग के साथ उर्मा बोर्ड ने सीएम को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के सदस्य निदेशक एवं ऑल इंडिया उर्मा बोर्ड के प्रवक्ता सफाअत हुसैन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रदेश के सभी संस्थानों में मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग की। सफाअत हुसैन ने प्रदेश में प्रचलित रविवार के साप्ताहिक अवकाश को गुलामी का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि भारत में मुगलों के शासनकाल में शुक्रवार को छुट्टी रहती थी, क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार यानी जुमा का दिन नमाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तब मुगलों ने शुक्रवार का अवकाश भारतीयों पर थोपा था। कहा कि भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में अंग्रेज गवर्नर जनरल ने शुरू करवाई थी। बाद में 1844 में स्कूल और कॉलेज भी रविवार की छुट्टी रखी जाने लगी। उन्होंने कहा कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त भारत सरकार नहीं दी गई है, बल्कि अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। उन्होंने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।